अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज ना अम्मी जो है वो उधर पता नहीं क्या ही कर रही है अलमारी में। तो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। किधर घुसी हुई है यार? ये ढूंढ रही हूँ मैं, क्या चीजें निकाल रही हूँ सर्दियों की ना, थोड़ा अलमारी की सेटिंग भी कर लूं। ये इस बैग में काफी सारी चीजें हैं मेरे। अच्छा। कुछ चीजें हैं जो मेरी गुम गई हैं, तो देखती हूँ मिलती है कि नहीं मिलती। इसको खोल के देखती हूँ मेरा है सही अंदाजा। पहले मेरी इस पास में पड़ी थी ना सारी चीजें, नहीं है। हाँ बैठ जाओ, मैं इसको खोल के देख लेती। जो चीज मैं ढूंढ रही हूँ ना वो अल्लाह करे मुझे मिल जाए। ये क्या है, बुनियान है? हाँ, ये दस्ताने है तुम्हारे बाप के पुराने पास बोतल। ये वो चीज है ना जो हम बेरिया से लेके आए थे ना। अच्छा, तो ये अबू तुम्हारे को कहा था कि ऐसे ही रख देना इनको, नहीं वो मिल गई है ना उन्होंने। क्या चीज है ये? देख मेरा कार्ड है, मेमोरी कार्ड। और ये मेरी रिपोर्ट है। और ये अबू की बाइक की वो कॉपी, फोटो कॉपी। और भी चीजें हैं काफी सारी। ये क्या? ये वो क्या नाम होता है उसका, वो ब्लड चेक। हाँ, ये किसकी है? मेरी है। हाँ, मुझे याद ही नहीं है। ये सारी पैक कर दी थी ना मैंने उस वक्त। ये देखो, हैंड फ्री खजाना मिल रहा है आज हमें। ओही, ये देख, ये मेरी चीजें आ गई ना वापस। और ताले, ताले आ गए मेरे। सबसे ज्यादा चीजें मेरी जो थी ना, ताले कहाँ हैं ये पड़े हैं। देखा, अब जब कहीं जाते हैं तो ताले की जरूरत पड़ती है ना। ये फिर निकाल लेते हैं, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं ये सारी। सब कुछ यहाँ है इसमें। और ये जब नौशी के कान छिलवाए थे उसको लगाने के लिए देखे ऐसे। और ये खजाना हमें मिल गया, वाओ। कौन से? ये रहा मेरा खजाना, वाओ। ये क्या? ये मेरी पायल है। पायल क्या होती है? पायल होती है वो पैरों में पहनी जाती है। अभी छोटी थी तो मुझे नानी ने दी थी ये। मेरी ये वो है नेकलेस है, ये भी चांदी का। ये देख, चांदी का असली। हाँ, ये पायल है ऐसे पैर में पहने थे। अच्छा, इस पे गाना भी बना है उसका, मुझे थोड़ा सा बस सीन आता है। मेरी पायल जब छनी, ये मिल गया खजाना। ये क्या, सिक्के? हाँ, ये छोटे होते जैसे हम आप लोगों को बताते नहीं है कि चुआनिया अठानिया होती थी उस वक्त। ये वाला कौन सा सिक्का है? ये 10 पैसे हैं। ये देखे, ये चुआनी होगी, दिखाओ। नहीं भी, ये 5 पैसे हैं। ये पुराने जमाने पैसे हैं। हाँ, ये रुपए रुपए में जो रुपए का टूटा हुआ होता था ना, ये 10 पैसे हैं। इनमें से हम चीजें लेते थे। ये देखें, ये छोटे छोटे, ये कौन सी है? ये फूल जैसा। ये मैं अलग कर लूँ फिर दिखाती हूँ। अभी अलग कर लूँ मैं पहले। ये देखिए अभी बार तो मैंने पूरा बेड बिखेर लिया है। लोग कहते होगा हमें सुबह सर्दी लगती है। और ये खजाना मेरा जब घुमा हुआ था, ये आप लोगों को पता, रोजाना अबू मेरे साथ लड़ता है तो वो चीजें कहाँ गई हैं। तो ये देखें, ये हैं वो पैसे जो पहले जमाने में हुआ करते थे। ये तस्वीर नहीं, ये नहीं वाला मैं कह रहा था, ये वाला फूल जैसा। ये 10 पैसे है। 10 रुपए, 50 पैसे भी हैं। ये 50 पैसे हैं सारे। और ये 5 पैसे हैं। एक ही त्रिकी पड़ी है। और इस पे इकबाल छापा हुआ, ये पता नहीं कौन सा पैसा। ये बड़ा है थोड़ा, इसका मुझे नहीं पता। ये मुझे कहीं और मुल्क का लग रहा है। ये हाँ, ये लग रहा है ये किसी और मुल्क का। तो इसको अलग कर लेते हैं फिर। मेरी पायल जब
छनके इसको उतार दो नाचने पे लगी हुई के काम आएंगे ये नाचा जो खड़ा है ना हमारा एक मुझे दे ए दो है ना हाँ ये दो है इसको मैं जब छोटी थी ना तब की है ये मामू की बड़े मामू की शादी पर ये नानी ने मुझे बनवा के दी थी मुझे पहनाओ तो अभी ना मैं इसको ना वो उसके पास ले जाऊंगी सुनार के पास ना तो फिर तुम्हें बनवा के दूंगी तुम्हारे सेज की करवा दूंगी थोड़ी मोटी करवा लूंगी पैसे डाल के ना फिर पहनना ये मुझे सोने की चाहिए सोने की अभी इतनी औकात नहीं है सोने की आ जा ऊपर नहीं होती ये इधर नीचे ही रहती है इधर बहुत पतली हुआ करती थी ये क्या है ये मुझे क्रीम जैसा लग रहा है ये रेड बोतल में ये अबू की शेविंग जेल है शेविंग जेल है जी ये इसे शेव करता है ना ये देख आये 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 क्रीम जैसा ही है क्रीम जैसा ही है ये तो ऐसे ही होता है अब मैं इसे साफ कैसे करूं इसकी छोटी सॉक्स किसकी है इसकी है इतनी आती है ये तो ऐसी होती है ये नहीं ये नहीं ये सॉक्स है उधर फेंक दिया बाहर कचरे में चलो मैं ये समेट लूं नमान जी तो व्यूअर्स आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो थी जो कि मैं सारा दिन अलमारी में चीज़ें मेरी घुमी हुई थी वो ढूंढती रही हूँ क्योंकि पैकिंग में इतनी जो है ना चीज़ें इधर उधर की हो इधर उधर हो जाती है ना तो इसलिए फिर वो कुछ मुझे मिली हैं कुछ अभी तक नहीं मिली और कुछ मेरे पैसे भी थे जो अभी तक नहीं मिल रहे और नुमान बैठा ये देखें जोर लगा रहा है ये पहली दफा मैंने देखा कि सेब को इतनी ताकत से तोड़ रहा दांत के साथ और बैठा हुआ देखा कुबड़ा हो जाएगा तू सीधा तो मैं अलमारी से कुछ चीजें ढूंढती रही और नुमान ने सी जी मेरी छुपके से थोड़ी सी वीडियो बना ली और बाकी जो थे मेरे सामने बनी तो मैंने सोचा कि चलो और तो नहीं बने यही छोटी सी वीडियो जो है वह यही डाल देंगे आज तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी पसंद है तो लाइक कर देना शेयर कर देना मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना और मुझे भी दुआ में याद रखना है तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे जी इजाज़त अल्लाह हाफिज़।